मोहब्बत दो जग दर्ज पावती में कमली आया, दो जग दर्ज पावती में कमली आया, दिलियां बहुत भावती में कमली आया, दो जग दर्ज पावती में कमली आया,
कि तुम अपना आराम छड़ के घर छड़ के उनके जमीन से बह रहे हो, मकसद बड़ा उच्चा तो मंजिल बड़ी वड्डी। क्यों? कि तुम खुदा ताला के सरकार की तकलीफ की दाद देने वास्ते इकट्ठे हुए हो, मंजिल बड़ी उच्ची तो मकसद बड़ा उच्चा कि तुम उसके साथ मोहब्बत करना है जिसके साथ खुदा मोहब्बत करना है। मकसद की किल्लत से पेश नजर क्योंकि बड़े बड़े नाखान औलाद आए हैं। मैं तुम्हें एक हदीसे पाक सुनाना बड़ी खूबसूरत और तुम चेता रखना और बुखारी शरीफ की हदीस है। बुखारी च है हजरत कतादा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सोमवार का रोजा क्यों रखना है? आपने फरमाया मेरे मिलाद का दिन है, इस वास्ते का रोजा मिलाद मुबारक वास्ते खास मखसूस हुक्म हो चुके हैं। और फिर दूसरी हदीस बात है कि मदीने शरीफ के दूसरे साल तशरीफ लेके गए तो यहूदिया ने रोजा रखा कि 10 मरहम का दिहाड़ा है। आपने पूछा कि तुम आज रोजा कहाँ रख लिया? उन्होंने कहा कि इस दिन फिरौन गर्क होया कि सानू फतह की नेमत मिली थी, मूसा अलैहिस्सलाम नू फतह मिली, असी उस दिन की तादीम शुकराने विच उस दिन के इकराम दे विच असी ये दिन मनाने। सरकार ने फरमाया कि साडा ज्यादा हक है मूसा अलैहिस्सलाम के, असी ज्यादा हकदार हाँ मुसलमान। मैं हुक्म करना तुहानू तुसी दसवीं भी रोजा रखना चाहना, नौवीं भी रोजा रखना चाहना, तुसी दो रोजे रखने मखसूस हो गया। और दूसरा तुसी जुमा से पढ़ते हो सारे नवे कपड़े पाते हो, उसने की वजह है सारे दिन का सरदार की वजह है जी कि सारे दिन का सरदार की वजह है कि जुमे के दिन तुसी ईद का दिन ईद की तरह मनाते हो, तुसी कपड़े भी पाते हो, खुशबू भी लगाते हो। सरकार ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह ये जड़ा जुमा है इन ईद है और ये सारे दिन का सरदार है, ये की वजह है? आपने फरमाया इस पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से मिलाद का दिन और शरीयत मुहम्मदी के बीच आदम अलैहिस्सलाम का मिलाद मिलाद मनाने का हुक्म है। तो साढ़े नबी जो सन आदम अलैहिस्सलाम जो सरकार ने फरमाया उन तो नबी व आदम कि आदम अलैहिस्सलाम रूह के जिसम की कशमकश के बीच संत ने तो नबी साहब वाला तशरीफ लिया दोबारा विरादत हो रही है, चाहे दोबारा विरादत हो रही है, इस किस्म की गल करेंगे, अलग और खराब किस्म की गल करेंगे। क्या दोबारा विरादत मनाई जा रही है? क्या दोबारा विरादत हो रही है? हालां ऐसी गल नहीं, पहले दिन च रखो कि तुसी अज जो जिस वक्त जाते हो हूँ तो तरक्की बड़ी की है, शलवार कमीज का पेंट कोट है, तुम पेंट कोट जा कर लो, शेरवानी पाइए इस कर के अज कर लो जा। क्यों नहीं करते? अल्लाह ने कहा है कि हज नहीं होएगा जिनी देर तक मेरे इब्राहिम की याद नहीं मनाई जाएगी। जिन्हें दो कपड़े उन्हें बनने सन तुम्हें भी इंजी बन के आओ, चादर की बुकल मारनी पैंती है और एक चमक बनना पैंता। जेड़ा आप कि मैं शेरवानी ना करा, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह ताला अपने प्यारे की याद मनान का हुक्म फरमा रहा है। सफा मरवा से जाओगे दौड़ोगे, हजरत हाजरा सलाम उन्होंने ऐसे दौड़िया सन पानी की तलाश है, आपके बेटे की ब्याह की शिकस्त हूं तो कोई ऐसा मसला नहीं। उसे भावे को कुरान पढ़े सफा मरवा से जाके भावे ना पढ़े तो मसला दसना पे वो जानता तो पढ़ लगे नहीं आता तो ना पढ़े सिर्फ दौड़ लगे वो जरा दौड़ेगा हजरत हाजरा की याद मनाई जाएगी वह हज कबूल किया जाएगा। चलो अरफात कौन जाओ अरफात पहले तो इतने क्या करना पता नहीं किन्ने नफल पढ़े जा रहे हैं, किन्नी कुरान की तिलावत होनी है। उसे खुतबा कोई सुने से भावे ना सुने, कुरान पढ़े भावे ना पढ़े, नफल पढ़े भावे ना पढ़े, अरफात का की मतलब है? तो उसे जमा हो जाओ तो वापस चले जाओ, थोड़ा हज हो गया। क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की याद मनाई जा रही है। फिर तुम चलो मुस्तफा उस कैंकरियां चलो शैतान को कैंकरियां मारिया जा, शैतान को कैंकरियां मारिया जा। हूँ दसो ये जो हाजी इतने कई बैठे हो गए, हाजी साहब भी बैठे ने, तुम हज किया कैंकरियां मारिया सन शैतान हज का? हाँ जी,
میرے پیارے کی ادا ہے ہاتھی تسی وہ مناؤ شیطان نو پاوے بجے تے پاوے نہ بجے میرے یار نے کھچ کر کے بٹے مارے سن تسی بھی مار دو تے حج تہاڈا قبول ہو جائے مطلب یہ ہے کہ حج جہاں 4,000 سال پہلے والا واقعہ مناؤ تو حج ہو جاتا ہے اندازہ کرو کہ نبی پاک سے وہ سن جڑے کائنات کے سب سے بڑے سن اور ملاد منانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس بخاری کی روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی نال سانو میں تھوڑا وقت لینا پیا لیکن یہ بھی ضروری ہے نال سانو کی بڑی برکت ہے لیکن وہ نال تھوڑا جا اپنے قیمے کے اندر کا کرنا چاہیے بھائی لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں اس معاملے تو کیا رسول پاک نے ملاد کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ملاد کیا تھا اور یاد رکھو کہ حدیث پاک ہے تمام شہابہ کرام بلایا آپ نے فرمایا صحابہ میں کون صحابہ نے کیا یا رسول اللہ کے پیارے رسول ہیں آپ محبوب خدا ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے پھر فرمایا میں کون ہوں فرمایا کہ میں کون یا رسول اللہ پتہ کے رسول آپ نے فرمایا میں محمد ہوں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا نام عبداللہ تھا میرے دادا کا نام عبد المطلب تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اعلیٰ ترین مخلوق ہے انسان مجھے اس گروہ میں پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اس کی جو تقسیم ہوئی ہے اس کی جو تقسیم ہوئی ہے یعنی عرب اور عجم کی فرمایا جو بہترین طبقہ ہے مجھے اس میں اللہ نے رکھا فرمایا پھر ان میں قبائل تھے جو ان میں سے بہترین قبیلہ قریش کا تھا میں اس میں ہوں پھر فرمایا کہ جو اس میں بہترین خاندان بنو ہاشم ہے فرمایا میں اس میں سے بہترین ہوں اور سب سے اعلیٰ ترین میری شخصیت ہے ہوں دسو میراج شریف کی روح بیجی ہوئی کہ میراج شریف ہے اج کہتے ہیں کہ نبی پاک کی یاد نہ مناؤ یہ نوٹ پر کرو اس گل حدیث پاک ہے اور بخاری شریف کے حدیث ہے کہ نبی پاک کا اسلام